बीजेपी की जबरदस्त दहाड़ से दहल गए विरोधी। कश्मीर के बहाने मोदी ने कांग्रेस की खूब बजाई बैंड। नागालैंड के नेता तेमजेन को भाग गई मोदी की ये दहाड़। बोले कमजोर दिल वाले इस भाषण को ना देखें। क्या है मोदी का वो बयान जिसके लिए देनी पड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं तहलका मचा देते हैं, और बात जब संसद में विरोधियों को जवाब देने की आती है तो फिर पूछिए मत। हर कोई पीएम मोदी के भाषण का इंतजार करता है, क्योंकि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो विपक्ष की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी भरी लोकसभा में खूब दहाड़े। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो बीजेपी के मशहूर नेता और नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष तेनजिन इमना अलोंग ने चेतावनी देते हुए शेयर की और कहा, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया, और बजट पेश होने के बाद मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का। जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उद्योगपति गौतम अडानी का नाम ले लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताबड़तोड़ प्रहार किया और सदन में मोदी अडानी की तस्वीरें भी लहराई। सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माने सदस्य पब्लिक में सर, माने सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं सर। देखिए आप पोस्ट बैठिए, एडमिट बैठिए। आप पोस्टर बाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चुकाएंगे। पोस्टर बाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें पोस्टरबाजी नहीं, स्पीकर सर वरिष्ठ सदस्य है, स्पीकर सर पोस्टरबाजी उचित नहीं है, स्पीकर सर पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। संसद में दिए गए इस भाषण के बाद तमाम कांग्रेसी समर्थक इस कदर लहालोट हो गए कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस भाषण को खूब शेयर किया गया, मगर वो भूल गए थे कि शायद अभी तो पीएम मोदी का संसद में बोलना बाकी था। और जब बुधवार को पीएम मोदी ने संसद में बोलना शुरू किया तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा कर रख दी। करीब 1.5 घंटे के इस धुआंधार भाषण के दौरान पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही जो नागालैंड सरकार में शिक्षा मंत्री और नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेनजिन इमना अलोंग को खूब पसंद आई, और इस भाषण को शेयर करते हुए उन्होंने सबसे पहले लिखा वार्निंग, इसके बाद लिखा कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, बाद में ये मत बोलना कि बताया था। नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेनजिन इमना अलोंग ने पीएम मोदी के जिस बयान को शेयर कर चेतावनी दी है कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, उस बयान में पीएम मोदी ने दरअसल कश्मीर के हालात के मुद्दे पर कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई की है और बताया है कि कैसे उन्होंने कांग्रेस राज में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना भी किसी खतरे से कम नहीं था, और बताया है कि कैसे उनका कांग्रेस राज में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना भी किसी खतरे से कम नहीं था। ऐसे माहौल के बीच पीएम मोदी ने खुद जाकर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, और आज मोदी राज में कश्मीर का माहौल इतना बदल गया है कि पिछले महीने ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे दलबल के साथ कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंचे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है,
जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है, पोस्टर लगे थे, और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी, और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आम तौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूक के बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा। पीएम मोदी ने संसद में कश्मीर के हालात की चर्चा दरअसल इसलिए छेड़ी थी क्योंकि एक वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और आतंकी घटनाएं, पत्थरबाजी, पाकिस्तान के झंडे लहराना जैसे आम बात हो गई, लेकिन मोदी राज में ये चलन खत्म हो गया, खासकर जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है। उसके बाद तो कश्मीर के हालात इतने बदल गए हैं कि कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी पाकिस्तानी झंडा लहराता था वहां आज तिरंगा लहरा रहा है, और खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरंगा लहरा कर आए। इस दौरान पीएम मोदी के धुर विरोधी नेता योगेंद्र यादव भी उनके साथ थे और उन्होंने कश्मीर के हालात पर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। और यही वो लाल चौक है, वैसे इस पूरे इलाके को लाल चौक बोला जाता है, इस जगह को घंटाघर बोला जाता है, लेकिन भारत के बाकी लोगों की निगाह में ये लाल चौक है और ऐसा माना जाता है बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे कोई आके मतलब तिरंगा नहीं लहरा सकता और ये सब बातें की जाती हैं। और आज आप देखिए ये लगभग उत्सव बन गया, तमाम लोग तिरंगे लेके घूम रहे हैं, अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं, एक तरह का पब्लिक उत्साह है, उत्सव है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, लेकिन किसी को डर नहीं है, किसी को ये डर नहीं है कि भी ऐसा झंडा लेके आया हूं जिसको देख के कोई मेरे को गोली मार देगा, कुछ होगा, कुछ नहीं है। मजे से सुबह से हम घूम रहे हैं, बिना प्रोटेक्शन के भी घूम रहे हैं, कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोदी सरकार के काम की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन बात तो तब होती है जब धुर विरोधी भी अनजाने में ही सही कश्मीर के बेहतर होते हालात के बहाने मोदी सरकार की तारीफ कर बैठता है। और राहुल गांधी के समर्थक योगेंद्र यादव ने कश्मीर मसले पर कुछ यही किया, उन्होंने बता दिया कि कश्मीर में हालात कितने बदल गए हैं, आज आप लाल चौक में तिरंगा भी लहरा सकते हैं। बहरहाल कश्मीर के हालात के बहाने पीएम मोदी ने भरी संसद में जिस तरह से कांग्रेस को धोया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले नरेंद्र मोदी ने उस दौर में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगा झंडा फहराएंगे, तो आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना क्या क्या लगता है मित्रों? हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी, मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में एक महीने के बाद
26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचना था और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग हो गया तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है, और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तेरे जगह जमा फैला है। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है, लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन गए, 26 जनवरी को परसों अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।